ये खबर है 9 बजे की दूसरी बड़ी खबर, और ये इस पर बात होगी चाय के बागानों पर और चाय के बागान पर उठे सियासी बवाल की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम की रैली में चाय बागानों के मजदूरों को कम दिहाड़ी का मुद्दा उठाया। मजदूरी की बात करते हुए राहुल ने गुजरात के कारोबारियों का जिक्र किया। राहुल के इस बयान पर असम से लेकर गुजरात तक सियासी बवाल मच गया है। विवाद की वजह आखिर है क्या, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। चाय पर चुनावी उबाल, राहुल के बयान पर बवाल। चाय का बहाना, राहुल का निशाना। रूपाणी ने बताया गुजरात के कारोबारियों का अपमान। असम के शिवसागर रैली में चाय के मजदूरों को लेकर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उससे 3000 किलोमीटर दूर बैठे गुजरात के सीएम विजय रूपाणी गर्मा गए। साथ ही चाय पर असम से लेकर गुजरात तक की राजनीति भी गर्म हो गई। चाय के वर्कर को 167 और गुजरात के व्यापारी को 3000। चाय के मजदूर अच्छी तरह सुन लीजिए, ये जो आपको 167 मिल रहा है इसमें ये जो है ना हम जोड़ देंगे ऐसे और आपकी जेब में डाल देंगे। अब आप पूछोगे अरे भैया अगर आप 200 रुपए हर मजदूर के जेब में डालोगे तो पैसा कहां से आएगा, मैं बता देता हूँ, गुजरात के। यही बात गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को नागवार गुजरी और उन्होंने राहुल के बयान को गुजरातियों का अपमान बता दिया। राहुल गांधी के बयान से गुजरात के कारोबारियों के लिए उनकी और कांग्रेस पार्टी की नफरत झलकती है। गुजरात इस नफरत को स्वीकार नहीं करेगा। गुजरात का हर नागरिक कांग्रेस को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और ये कांग्रेस पार्टी हर रोज असम के मजदूरों को रोजाना 167 रुपए की जगह 365 रुपए देने के वादे और गुजरात के कारोबारियों पर निशाने का ताल्लुक ना तो सिर्फ मजदूरों से है और ना ही गुजरात के कारोबारियों से, बल्कि इसका गढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ता है। पश्चिम बंगाल और असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है जिसमें चाय बागानों का मुद्दा अहम होता है। असम की 126 में से 35 और पश्चिम बंगाल की 15-16 सीटों पर चाय बागान के मजदूर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर और उत्तरी दिनाजपुर इलाके में चाय बागान से जुड़ा मुद्दा अहम माना जाता है। राहुल का बयान भले ही असम और पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर हो, लेकिन रूपाणी ने इसमें गुजरात के कारोबारियों का मुद्दा चुनकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कीर्ति चढ़ा दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी असम की रैली में चाय के जरिए भारत की पहचान पर चोट का आरोप लगा चुके हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि चाय के मुद्दे को हर पार्टी अपने लिहाज से लगातार गर्म करने में जुटी हुई है। एक तरफ राहुल की कोशिश 5 साल बाद असम में वापसी की है, तो वहीं गुजरात में रूपाणी 2017 में कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस पर अभी से बढ़त बनाने में जुट गए हैं। तो देखिए केतली पे चाय चढ़ी हुई है, चाय में उबाल भी आ गया है, लेकिन इस उबाल से क्या असर पड़ेगा, हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार सिंह दिल्ली से और रौनक पटेल सीधे हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आसाम को साधने के चक्कर में गुजरात का नुकसान कर लिया, गुजरात में अभी पंचायत के चुनाव होने हैं और वहाँ पर कांग्रेस पहले ही अहमद पटेल की कमी से जूझ रही है। देखिए मुझे लगता है कि इसको गुजरात के नुकसान के तौर पर नहीं देखना चाहिए विकास। मैंने इस बयान के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है, चीफ मिनिस्टर गुजरात ने जिस तरह से राहुल गांधी को रिटेलिएट किया है, उसके बाद राहुल गांधी के क्लोज एसोसिएट से बात करने की कोशिश की और उनका कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी कंसिस्टेंट पोजिशन ली है, जो कि वो फार्मर्स एजिटेशन के दौरान विकास आपने देखा कि उद्योगपतियों का हवाला देकर के मोदी सरकार को हमला करते रहे हैं। राहुल गांधी का आर्ग्यूमेंट ये है कि वो किसी तरह से
पॉलिटिकल डिस्कोर्स को असम में प्रो डेवलपमेंट वर्क पर लेकर के आए, न कि जैसा मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी के क्लोज एसोसिएट्स का कहना है कि जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हमें वोट नहीं चाहिए, मदरसे बंद करवा देंगे या खुलवा देंगे, राहुल गांधी की कोशिश है वापस डेवलपमेंटल और वर्क ओरिएंटेड इश्यूज पे वापस लाने की, और इस वजह से उन्होंने ये बात की। अब जनता कितना उनका साथ देती है नहीं देती है, मुझे लगता है कि ठीक है। रौनक के पास चलते हैं आशीष। रौनक, पंचायत के चुनाव होने, टिकट का बंटवारा हो चुका है दोनों पार्टियों की तरफ से लगभग, इस बयान का गुजरात पर क्या असर पड़ने वाला है, गुजरात के चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? विकास, जो खुद शिकारी शिकार हो गए ऐसा खेल गुजरात में हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं 80% गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, और लोकल बॉडी इलेक्शन में जो ग्रामीण इलाका है वहां कांग्रेस पिछले चुनाव में मजबूत थी, लेकिन इस बार मजबूत दिख रही थी। ऐसे में बहुत बड़ा मुद्दा न सिर्फ विजय रूपाणी को बल्कि बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट सीआर पाटिल को दे दिया है, क्योंकि लगातार अब हमला बोलना शुरू कर दिया है बीजेपी की ओर से कि ये कांग्रेस गुजरात विरोधी है। पहले भी जो जिस प्रकार के बयान आते थे कहीं ना कहीं गुजरात को जोड़ा जाता था, अब इस बात में सच्चाई ये भी है कि असम से गुजरात में चाय आती है, कम से कम 25 जितने बड़े कारोबारी हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं जो या तो असम के बागान लीज पर लेते हैं या असम से चाय खरीद के आते हैं, लेकिन जबरन इस शब्द को ऐड करना कि गुजरात के व्यापारियों से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं गुजरात प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है। जी रौनक, बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आप जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान के, जो धारी बयान है ये, असम में इसका फायदा मिल सकता है तो गुजरात में रौनक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और ये खबर 9 बजे की तीसरी बड़ी खबर है। ये खबर किसान आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को आंदोलन के अंत का डर सताने लगा था। आखिर टिकैत टेंशन में क्यों आए थे, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। सारे नियम, सारे रेगुलेशंस, सबको धराशायी किया गया। 26 जनवरी की हिंसा की ये तस्वीरें जब भी सामने आती हैं, आंखों पर नमी छा जाती है। कैसे तिरंगे का अपमान हुआ था, दिल्ली की सड़कों पर तांडव मचा था, किसान आंदोलन पर भी इसकी आंच आई। लाल किला हिंसा के बाद किसान नेताओं को भी आंदोलन खत्म होने का डर सता रहा था। इसका खुलासा किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत ने किया है। टिकैत ने क्या कहा वो सुनिए। कुछ नहीं बचा था, कुछ भी सब निपटा दिया था उस दिन। ये तो ऊपरले वाले की मेहरबानी मान लो कि लोग फिर जुड़े, क्योंकि एक विश्वास, एक आस्था, एक सम्मान हमारे 40 के 40 लोगों में आम जनता का था, और वहां से ही उससे फिर उठ गए। ABP News, आपको रखे आगे।